बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम लाहौर के शहरियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, क्या मौजूदा मुल्की मसाइल का हल इस जेल भरो तहरीक से निकल सकता है। उनसे पूछेंगे ख़ासतौर पर वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, क्या वो इमरान खान साहब की इस कॉल पर जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे, अगर बनेंगे तो क्या वजह है उसकी, और नहीं बनेंगे तो उसकी रीजनिंग भी उनसे जानेंगे। और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, वो लोग जो इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करते वो इस जेल भरो तहरीक को कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ एक नौजवानों का ग्रुप मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस मुजफ्फर। अनस, किसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान। क्या वजह है? ईमानदार है। ईमानदार है। खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया है, जेल जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाओगे जेल? ले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कॉल पे जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? खान साहब को खुद जेल जाना चाहिए। अगर खान साहब जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। अगर वो नहीं जाते? अगर वो हुक्म देंगे तो लाजमी जाएंगे। नहीं जी, अनस कह रहे हैं कि खान साहब कहेंगे तो ये जेल जाएंगे। टाइम कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो मुख्तसर इन सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यास है। किसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान। जाओगे जेल? जेल देखें, अब अगर खान साहब कहेंगे तो फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या हो? मैं BS कर रहा हूँ इधर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। जेल जाओगे तो पड़ेगा कौन? नहीं, पढ़ने की बात तो ठीक है। माँ बाप देते हैं, खान साहब देते हैं? माँ बाप देते हैं। फिर माँ बाप जाने देंगे जेल? नहीं नहीं, अगर खान साहब जाएंगे तो फिर हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके पीछे। माँ बाप जाने देंगे जेल? नहीं, वो नहीं जाने देंगे। माँ बाप के खिलाफ जाओगे? नहीं, उनके खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए, ये भी आपकी बात ठीक है। फिर जेल जाओगे? अब आपने कन्फ्यूज में डाल लिया मुझे। देखें अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। चलो ये बताओ, खान साहब जेल जाएंगे तो जेल जाओगे? जी। माँ बाप मना करेंगे फिर भी जाओगे? नहीं नहीं, फिर माँ बाप का तो कहना मान सकते हैं, उनका तो कहना रद्द नहीं कर सकते ना। बिल्कुल ठीक। माँ बाप किसको सपोर्ट करते हैं? वो भी इमरान खान को। चलो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खान साहब का सपोर्टर है और ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए जेल जाने को तैयार है, ये इसका जज्बा है, ये इसकी मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये कह रहे हैं माँ बाप का कहना रद्द नहीं करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैंने आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छा आपने जो बात की है कि माँ बाप जो कहेंगे आप उनकी बात मानेंगे। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इधर आ जाएं ज़रा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? तलहा। सॉरी, तलहा। तलहा, किसको सपोर्ट करते हो? इमरान खान को। जेल जाओगे खान साहब के लिए? नहीं। क्यों? बस ये पॉलिटिक्स है, हम नहीं जाएंगे। अगर खान साहब खुद जेल जाएंगे? फिर भी नहीं जाएंगे। फिर भी नहीं जेल जाएंगे? नहीं जी। तलहा खान साहब के सपोर्टर हैं लेकिन जेल नहीं जाएंगे। खान साहब के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं। किसको सपोर्ट करते हो? PTI को, इमरान खान को। खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, जेल जाओगे? जी जी बिल्कुल। खान साहब के लिए? जी बिल्कुल। क्या करते हो? मैं इंटरनेट का काम। तो काम कौन करेगा? काम लवारे से काम होता रहेगा, काम जो बंद हो जाएगा। इंटरनेट वाले फोन कर करके गालियाँ निकालेंगे? बात नहीं, वो लड़का आ जाएगा कोई इंटरनेट ली। जो नौकरी छोड़ दोगे खान साहब के लिए? मसला नहीं, नौकरी और मिल जाएगी। नौकरी और मिल जाएगी? मिल जाएगी। ये मोहब्बत है खान साहब के लिए कि मैंने बच्चे को घुमाने की कोशिश की, बच्चा घुमा नहीं, उसने कहा खान साहब के लिए कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? जुहेब। जुहेब। जुहेब भाई, किसको सपोर्ट? किसी को सपोर्ट नहीं। वाह, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हम हक लाल की खाते हैं, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। तो हक लाल के इनमें से कौन है? साहब हम खुद हैं। इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। थोड़ा बेहतर है कोई? बुरों में कम बुरा? बुरों में बुरा कोई भी नहीं है, ना इनमें कोई बेहतर है ना इनमें कोई बुरा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा है और ये अच्छा है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, हमें कोई नहीं आकर देता कि ये लो आप खाओ। लेकिन वोट का हक भी तो आपके पास है ना, वोट किसको करोगे? वोट इंशाल्लाह शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उम्मीद है कि नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ साहब को वोट दो? हाँ जी बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आपसे बात करके। ये छोटा सा जवान है, इसका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, आपका भी नहीं बना होगा शनाख्ती कार्ड। वैसे दोनों बता दो, सपोर्ट किसको करते हो? TLP। आप? इमरान खान। इमरान खान एंड TLP। नाज़रीन, बच्चों की और नौजवानों की गुफ्तगू आपने सुनी, आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल? परवेज यूसुफ। अंकल, 2018 में किसको वोट दिया आपने? 2018 में नहीं दिया था वोट। अगर वोट कास्ट करते तो किसको वोट कास्ट करते? यकीनन पीपल्स पार्टी को करते। पीपल्स पार्टी को, क्या वजह? वजह एक सिस्टम है जो चल रहा है शुरू से ही, और वो उसने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जमहूरियत को। बेशक आज उसके कुछ एलिमेंट उसके अंदर ऐसे हैं कि जो प्रॉपर हमें नहीं करते, डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल एक नज़रिया है जो नज़रियाती जमात है। वो एलिमेंट्स लीडिंग एलिमेंट्स तो नहीं है? लीडिंग ही है, लीडिंग ही है।
वो लीडिंग है। फिर उसके बावजूद आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं? वो करते हैं, नजरिया को करते हैं हम, नजरिया हमारा डिफरेंट है। लेकिन मकसद मतलब ये ना कि नजरिया तो डिलीवर नहीं करेगा, डिलीवर तो लोगों ने करना है। लोगों ने करना है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो नजरिया है ना, नजरियाती लोग आज भी जो पीपल पार्टी में मौजूद हैं वो हमेशा ही पीपल पार्टी को वोट देंगे, किसी और को नहीं दे सकते। मुझे बताएं नजरिए ने आज तक इस मुल्क को क्या दिया? नजरिए देखे अगर इस बात पर जाए ना कि मुल्क को क्या दिया किसी ने, मुल्क हमारा किसी के अंडर चलता है, हम अपने अख्तियार में नहीं है। हमारा पाकिस्तान जो भी हमारा काम हो रहा है सारा हमारा बाहर से आता है ये सारा सिस्टम। अगर हम जिस दिन अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, आप देख लें अभी भी एस्टेब्लिशमेंट, अभी भी जो भी सिलसिला ये चलता है, कभी मीडिया आ जाता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं जो सारी ये हमें किसी नज़रिए की तरफ रहने नहीं देती, लेकिन जो नज़रिया हमारा अपना पर्सनली हमारा अपना है वो हमारा अपना चलता है। चलिए मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने अभी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त वो जो है वो भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकईतन मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस ये है और इमरान खान साहब जो अलम बुलंद किए हुए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ वो दुरुस्त है? इनकी स्टेबिलिटी नहीं है किसी में, जो इमरान वगैरह का जो है ना सिलसिला, ये स्टेबिलिटी नहीं है किसी सिस्टम में। आप देख लें पूरा टेन्योर देख लें, जो भी गुजरा है वो और उसके अलावा जो अभी भी गुजर रहा है, डेली नई बात होती है, एक फिर वो नज़रिए वाली बात आ जाती है। नज़रिया इसीलिए तो कहते हैं कि नज़रिया एक चीज़ है, वो नज़रिया नहीं है इनके अंदर। कभी किसी पूरा सिस्टम आप शेक कर दिया कि अभी हम टीवी देखने के भी रवादार नहीं रहे कि हम क्या करें, किसको देखें, क्या करें इसके बारे, इसलिए वो नहीं। हम वैसे मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, इस तरह नहीं है। हम जितनी देर तक जो हमारे फॉरेन सिस्टम जिसके अंडर हम चलते हैं, ये एलिमेंट मौजूद है ना हमारे अंदर, ये कोई भी हुकूमत होगी कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपने टाइम दिया। यहाँ पर कुछ और भाई थे जो बात करने से पहले भाग गए, हम उनको इशारा करेंगे आप आ जाए ज़रा, आपसे भी हम बात करें, आपसे पूछें कि आपने किसको वोट दिया, क्योंकि ये जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, तो हमने कहा आपसे तो बात करना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा किसी को सपोर्ट नहीं करता वो जो है उसकी रीज़न क्या है, क्यों वो इतना मायूस हो गया सिस्टम से कि वो किसी को सपोर्ट करने का भी रवादार नहीं है? तो ये भाई है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भी भाग गया आप यहाँ से? बस आपके सवाल ही इस तरह के, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं करना इसलिए भाग गया, मैंने सोचा चले जाते हैं। तो सुना था ये हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी के तख्त से उतरने के बाद भागते हैं, तो आप तो आम वो जनता हो गए, भाग गए आप? क्योंकि मैंने किसी का साथ नहीं देना, इसलिए शायद मैंने सोचा इसी तरह चलो साइड पे हो जाए बेहतर है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 32। 32 ईयर्स में आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया? ना। क्या वजह उसकी? बस कोई इस काबिल ही नहीं लगा। काबिलियत का नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। काबिलियत का क्राइटेरिया क्या? पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया अपने टाइम पे आके, उसने जो था सब कुछ वो भी तबाह कर दिया। बाकी जो थे उन्होंने चले, उन्होंने फिर भी कुछ किया था लेकिन वोट नहीं दिया उनको, लेकिन जो पीटीआई उसने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। वोट तो एक अमानत है। आप देखें ना वोटिंग क्राइटेरिया, मैं अक्सर जो लोग मुझे ये कहते ना कि हमने किसी को वोट नहीं किया, मैं उनसे दो बातें करता हूँ। आप अगर वाकईतन सच्चे पाकिस्तानी हैं तो आप ये स्टैंडर्ड सेट करें कि ये सबसे बेहतर है, इसको वोट करना है। अगर आपको लगता है कि ये कोई बेहतर नहीं है तो जो कम बुरा है उसको वोट कर दें। चले अगर इस तरह अगर इस पे हम बात करें तो फिर मेरा हल है हमें नून को देना चाहिए, क्योंकि जो सिटी और जो हालात थे पहले हमारे सारे, वो उसको पीटीआई ने आके जो हालात ख़राब किए हैं सारे, तो बेहतर था कि जो शहर है ना वो पहले हमारा नून वगैरह उन्होंने ठीक किया हुआ था, वो बेहतर थे। नहीं उन्होंने बनाया ना, यहाँ पीपल्स पार्टी है, यहाँ PMLN था, इसने पीटीआई ने आगे जो था सारा को तबाह कर दिया। लेकिन पीटीआई तो कहती है कि सारा यही बेड़ा गरक ये करते हैं। कहने ही तो आए हैं, उन्होंने करना कुछ भी नहीं, कहना ही तो कहना, बस आज तक कहते ही आ रहे हैं, बस सिर्फ बातें करते हैं, बातें बस। आपके ख्याल में नून लीग की बेहतर अचीवमेंट्स कौन सी हैं जो जिनकी वजह से आप समझते हैं कि ये बहुत बेहतर नहीं है लेकिन बुरों में कम बुरे? देखें अगर हम ये वाली बात करें ना तो पैसा सारे खाते हैं, लेकिन जो बनाया ना वो कम अज़ कम इन्होंने बनाया हुआ, आपको भी पता है, सबको पता है, खाता है तो लगाता भी है। हाँ ठीक है ना, इसने पीटीआई ने सिर्फ खाया है बस। अच्छा, पीटीआई हाँ। ने सिर्फ खाया लगाया नहीं है? नहीं। और नून लीग आप कहते हैं खाता है तो लगाता है? हाँ। तो अब अगर दोबारा आपको वोट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो किसको करेंगे? अब बहुत बेहतर नहीं, कम बुरे में कर दें, सोचेंगे उस टाइम पे फिर पीपल्स पार्टी है या PMLN है। पीटीआई तो बिल्कुल नहीं है, पीटीआई बिल्कुल नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है, लीडर ही उनका इस काबिल नहीं है। मेन तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, ये मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो इस वक्त जो है वो अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं,
आपको लगता है कि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है? बिल्कुल। या वाकईतन करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी है कि इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। वो पहले सब कुछ करके चला गया इसी तरह, तो इन्होंने बाद में एनएन के हाथ जो आया उन्होंने वही फिर देखा ना उसको, उससे पहले क्यों नहीं था? उससे पहले तो जो इतना कुछ नहीं हुआ था जो इसके टाइम के ऊपर आके हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, अभी इन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज किया है, तो जो लोग सारों को डाल दें इनको पीटीआई वालों को जेलों में, क्यों पक्का डाल दें ताकि बाहर ही ना आए? जो इन्होंने बेड़ा करना है वो कर दिया हुआ है, अब मजीद आएंगे तो दोबारा करना शुरू कर देंगे। वैसे वो शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब, इन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, अब सुना के जमानतें जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। वो बस यही गेम है ना, सारा दिन गेम है यही वाली, टीवी पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हर वक्त, तो वो इनका छोड़ दें वाली बातें। तो जेल भरो तहरीक वालों को क्या कहेंगे आप? कुछ भी मैं कर रहा हूँ, सारे अंदर ही कर दें इनको सबको। अच्छा अंकल, ये अच्छा अंकल, ये यही सवाल मेरा आपसे भी है, ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से मसाइल का हल निकल सकता है? नहीं है, नहीं है, कोई ये स्टंट है, पोलिटिकल स्टंट है, इसमें कुछ नहीं होना। तो आप क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने की कोशिश? वो एक्चुअली माँ बाप की बात माने बस। अच्छा ठीक हो गया, अंकल कह रहे हैं माँ बाप की बात माने, आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे वो लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं क्या वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं, हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? शेख मोहम्मद नईम। अंकल 2018 में किसको वोट दिया आपने? पीटीआई को। क्या वजह जी? 35 साल से इन लोगों को हम देख रहे थे, नून लुक को भी देखा, पीपल्स पार्टी को भी देखा, मगर मेरे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हुए। सोच की कि नए बंदे को चॉइस किया जाए, चॉइस किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसने काम भी अच्छे किए। अच्छा। मगर बदकिस्मती एक रजीम चेंज की गई जिसकी वजह से मेरा मुल्क इस हाल में चला गया कि आज डिफ़ॉल्ट हो गया। वज़ीर दाखला, वज़ीर खारजा, ये सब कह रहे कि हम डिफ़ॉल्ट हो गए। क्या रीज़न थी? हाइट पे जा रहा था, पूरे वर्ल्ड में ऑनर थी पीटीआई के दौर में, पूरे वर्ल्ड में ऑनर थी पाकिस्तान की। अब हालत यही हुई है कि बांग्लादेश के लोग भी हमें मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है, यही बात है सारी। मुझे ये बताएं कि अब आपकी गुफ्तगू से तो मैं तो ये अखज़ कर रहा हूँ कि यू आर स्टिल अ सपोर्टर ऑफ़ पीटीआई। इंशाल्लाह। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, तो आप जाएंगे जेल में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जाऊंगा। आपने नाम लिखवा दिया? बिल्कुल लिखवा दिया। तो कब जा रहे हैं आप? जब ऑर्डर आएगा उसी वक्त चले जाएंगे। ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो जेल में गए, सरफराज चीमा साहब गए, असद उमर साहब गए, वो अब जमानतें क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बात यह कि किन के लिए गए? इस मुल्क की आवाम के लिए गए, आपके लिए गए, मेरे लिए गए। हद कर दी इन लोगों ने, आखिर कर दी इस मुल्क के लिए, कि इस बहरान में डाल दिया इस मुल्क को कि परेशान है हर बंदा, इस वजह से हम लोग वो गए हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला। कैसे बेहतर होंगे? बात यह है कि वो बंदे के पास अल्लाह ने पावर दी हुई है, वो बंदे की बात को लोग मानते हैं, सदाकत मानते हैं, सच्ची बात मानते हैं और उस बात पे अमल करते हैं। तो आप जो है अपने आउटस्कर्ट्स में भी लोगों को कहेंगे इर्द गिर्द के आप लोग भी चलो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनो? बात ये जी कि वो ऑर्डर कर दिया, हर बंदा अपनी सोच का मालिक है, ज़बरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, हर बंदा अपनी सोच के जाए ना जाए। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। आप जाएंगे इंशाल्लाह? जो भी हो आप जाएंगे इंशाल्लाह। खान ने कॉल दी तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक हो गया। ये अंकल हैं जी और बड़े डाई हार्ट सपोर्टर लग रहे हैं इमरान खान के, और वो कह रहे हैं कि नाम लिखवा दिए, जब ऑर्डर हो जाएंगे खान साहब की तरफ से तो मैं फौरी तौर पर जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनूंगा और जेल में जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त 6 शेरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनसे मैं नाम नहीं पूछूंगा, ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा बाबा, आपका खैर मुझे पता है लेकिन पब्लिक के लिए, किसको वोट दिया 2018 में? एक शेर नू, एक बल्ले नू। बड़े डिप्लोमेटिक आदमी है, एक आपने शेर को दे दिया वोट और एक आपने हमारे गांव के थे माना वाला के, हमने उनको दिए। तो अभी आजकल क्या ख्याल आते हैं आपके? हमारा लीडर तो इमरान खान है, पर वोट मैंने शेर को देना है। इमरान खान क्यों? लीडर इमरान खान है। फिर वोट शेर को क्यों? वो हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है शेर का, चौधरी महमूद अलक, वो साबिक तहसील आजम शेखुपुरा भी था, उसने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा है, नमाजी है, 5 वक्त का तहज्जुद गुजार है, इतकाफ़ में बैठता है, उस लोग बच्चों में बच्चा है, बड़ों में बड़ा है,
उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हम वोट उसको देना है। तो फिर लीडर इमरान खान क्यों है? इमरान खान लीडर है। क्या वजह है, क्या लीडर, ऐसी कौन सी काबिलियत है उसके अंदर? दलेर लीडर है, अमरीका के सामने डट गया है, किसी को डरदा नहीं, झकदा नहीं, वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दवे, सेहत दवे, वो एडा दलेर लीडर पाकिस्तान को कैद आजाद तो बाद मिलया है, इन्हें पाकिस्तान को बड़े तरक्की चल जाएगा इंशाल्लाह। तो वोट जेड़ा मो उन्हें देना है। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही ख्याल थे आपके कि इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे? तब तो आपके ख्याल थोड़े मुख्तलिफ थे। नहीं 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 नहीं, इस तरह के थे। उस वक्त कोरोना वगैरह आ गया, इमरान खान की मजबूरी हो गई, कुछ हुकूमतों ने नहीं चलने दिया, कुछ बूटों वाले ने नहीं चलने दिया, तो मजबूरी होगी उसके। अब जब तीन तहाई अक्सरियत लेके जब आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा इमरान खान की हुकूमत है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को लोग यूब खान की तरह याद करेंगे। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, तो आप जेल जा रहे हैं? यार मैं ना बीमार आदमी हूँ, दिल तो बहुत करता है जेल जाने का। अच्छा। दिल करता है, देखते हैं, शायद नारा मार दें तो मार ही दें, तो वोट चौधरी महमूद अलकदा माना ले। इमरान खान के लिए जेल चले जाने, लेकिन वोट माना वाला मैं अपने हलके में नून लीग को देना। कैंडिडेट बहुत अच्छा है, अगर हम पीटीआई के पास उस हलके में इस तरह का कोई कैंडिडेट है तो वो मैदान में आ जाए। अच्छा, फिर पीटीआई को वोट देंगे? फिर देंगे, हम उसकी शख्सियत को वोट दे रहे हैं, उसका किरदार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा जेन का मालिक है महमूद अलक, उस इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान की तीन कौन सी बातें जो आपको अच्छी लगती हैं? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने सलाम का नाम लिया है, बहादुर है, कोरोने का उन्हें बड़ा मुकाबला किया है, यह जरा सेहत कार्ड बनाए ने, इस तो उत्ते और की करना, गरीब आदमी अज भी जाते हैं अस्पतालों के विच, ये नून लीग वाले तो लै खत्म कर लगे से, अल्लाह भला करे इमरान खान का, हूँ हर गरीब अमीर जाते हैं अस्पतालों शनाख्ती कार्ड देंगे ने तो काम हो जाता उन्हों का। ये दो काम हो गए, बल्कि एक ही काम हुआ, सेहत कार्ड तो एक ही हुआ, बाकी दो काम पे बताएं। यार दलेर और सलाम दा उन्हें ना लिया है। अगर दोबारा इमरान खान इक्तदार में आएगा, आप समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर आपका क्या ख्याल है? ये मौजूदा तो बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग रोटी को तंग है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही, सिगरेटें हैं हम जो पीते हैं वो 110 रुपए की डब्बी है, अब वो 250 में भी नहीं मिलती, लख लाना इन्हों से गंजिया से ये तो लैके आ गया ने सानू। और इमरान खान? इमरान खान तो एक बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने जो हुकूमत मिली उस वक्त हालात भी कुछ और थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था नून लीग वालों ने, अब वेखो ना जरदारी को साथ मिला यार, ये चोट सारा चोट टोला। इमरान खान साहब ने भी तो परवेज अली साहब को साथ मिला लिया, और वो ठीक हो जाएगा ना? अब ये क्या हो गया जी, परवेज अली गलत है, वो इमरान खान साहब के कब कहा गलत है? इमरान खान साहब कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, यार एक आदमी माफी मांग के आ जाए, ये पंजाब का डाकू जो है वो इमरान खान से माफी मांगेगा तो उसका क्या ताल्लुक है इमरान खान से माफी से? वो एक आदमी वो गलती मान ले, अभी मैं से गलती हुई है, वो मानते ही नहीं है कि मैंने, वो तो कहते हैं मेरा दौर ही बेहतरीन दौर था, इतना भी माड़ा नहीं था, 112 भी उसने बनाई थी। इमरान खान साहब क्यों नहीं नजर आया अगर आपको नजर आ गया तो? कुछ उसमें खामियां थी, वो नून लीग काफ लीग की हुकूमत से परवेज इलाही साहब को लेने का फैसला इमरान खान साहब का अच्छा फैसला है? तो आप ऐसे ही उनका दिफा करी जा रहे हैं? अब हमारी पार्टी में आ गया ना, पीटीआई में आ गया ना, इमरान खान का साथी बन गया है, अब अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा, अच्छे काम करेगा, इमरान खान की क्यादत में करेगा। चलिए ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।